गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए? हाथ ऊपर करके बताएंगे सभी बच्चे तैयार हैं। वेरी गुड, ये गुना की क्लास के सभी बच्चे तैयार हैं और इधर छिंदवाड़ा की क्लास के भी। तो आज ऊष्मा गति की ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके कुछ टॉपिक्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसी चैप्टर के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है ऊष्मा इंजन, उसकी दक्षता तथा कार्नो इंजन। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं, ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन क्या होता है? ऊष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मा को सतत रूप से कार्य में परिवर्तित किया जाता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मा इंजन के द्वारा यांत्रिक ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये छिंदवाड़ा के बच्चे क्या हो रहा है पहली सीट पे ही? ऊष्मा इंजन, जितने भी हम लोग सभी बच्चे आजकल तो गाड़ियां चलाते हो, तुम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल सब बच्चे चलाते होंगे, तो हमारी सभी गाड़ियों में इंजन होता है और वो कैसे कार्य करता है उसी का जो बेस है वो आज हमें पढ़ना है, ऊष्मा इंजन। ठीक है, तो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देखें। इसके जो प्रमुख भाग होते हैं ऊष्मा इंजन के, उसमें पहला है ऊष्मा स्रोत, दूसरा सिंक और तीसरा कार्यकारी पदार्थ। तो ऊष्मा इंजन में जो पहला भाग है ऊष्मा स्रोत, इसका आप एक चित्र अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये जो ऊष्मा स्रोत है इसका टेम्परेचर या ताप ज्यादा रहता है। इसका टेम्परेचर हम कहते हैं T1 पे, हम इसको एक कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे जो TH से आपको दिख रहा है। उसके बाद जो दूसरा है भाग इसका सिंक, जिसका टेम्परेचर कम रहता है, ताप जो स्रोत है उसकी तुलना में कम रहता है, और उसको हमने यहाँ पे दिखाया है TC से, कोल्ड। सी मतलब कोल्ड। तो ये है इसका भाग सिंक, और बीच में जो आप देख रहे हो भाग उसका वो है कार्यकारी पदार्थ, जहां पे लिखा हीट इंजन। एक्चुअली वहां पे वो क्या होता है, वहां पे कार्यकारी पदार्थ। तो जो स्रोत है उसका टेम्परेचर होता है T1 जो ज्यादा होता है, और जो सिंक है उसका टेम्परेचर T2 जो कम होता है, और बीच में जो है वो है कार्यकारी पदार्थ, जो कि एक गैस हो सकती है या पेट्रोल डीजल जो हम लोग यूज करते हैं वो वहां पे होती है। ठीक, तो जो ऊष्मा इंजन है हमारा, ये इसमें अगर ये मान लीजिए हमारा जो ऊष्मा इंजन के हमारे भाग देख रहे हैं हम, इसको हम यहां अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये है हमारा स्रोत, यहां पे ये हमारा कार्यकारी पदार्थ, और यहां पे ये आता है हमारा सिंक। तो हम कहते हैं सिंक। इसका हमने कहा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है T2। अब यहां से स्रोत से ये ऊष्मा लेता है कार्यकारी पदार्थ, और यहां मान लीजिए यहां से इसने ऊष्मा ली Q1, और ये Q2 हीट या ऊष्मा इसको स्रोत जो है सिंक को दे देता है, और बीच में W इज इक्वल टू Q1 - Q, ये यहां से कुछ ऊष्मा जो है वो बदल जाती है कार्य में। ठीक, तो ये यहां पे इस स्रोत से ऊष्मा को लेता है, कुछ ऊष्मा जो कि Q1 - Q2 के बराबर है वो कार्य में बदल जाती है, और ये बाकी की जो बची ऊष्मा है उसको दे देता है सिंक को। तो इस तरह से कार्य करता है। अब ये जो है इसकी दक्षता हमें निकालनी होती है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, या वो कितना कार्य करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, या उसको जब कितनी ऊष्मा है उसके पास तो कितनी कार्य करेगा, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र होता है। या ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या है वो हम देखें पहले। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को इंजन की दक्षता कहते हैं।
कि प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किए गए कार्य, तो प्रत्येक चक्र में मतलब यहां से इसने ऊष्मा ली Q1 और फिर इसको दे दी Q2 और उसके बाद ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है। तो प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कि उसने ऊष्मा की मात्रा कितनी अवशोषित की है, कितनी ली है, उन दोनों के अनुपात को कहा जाता है इंजन की दक्षता। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ईटा से। तो ईटा इज इक्वल टू किया गया कार्य, जिसको हमने क्या लिखा है W, बराबर अवशोषित ऊष्मा। तो अवशोषित ऊष्मा क्या है हमारी, तो किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा, ये कहलाती है इंजन की दक्षता। ठीक, अब W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 है, तो W इज इक्वल टू, हम यहां लिखते हैं इसको Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यहां पे ये हम देखते हैं कि कोई भी जो ऊष्मा इंजन होता है उसकी दक्षता 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो Q2 है ये कभी भी नहीं, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये T2 क्या है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है काय का, सिंक का। सिंक क्या होता है, ये ऊष्मा ग्रहण करता है, जैसे अभी हमने देखा है पे सोर्स और सिंक जो है हमारे ये हमने देखा यहाँ पे अभी, जैसे ये स्त्रोत्र है T1 टेम्परेचर पे है, और एक चीज इसमें और है कि इसकी धारिता जो है वो अनंत रहती है, T2 सिंक इसकी धारिता अनंत रहती है, और इसका जो टेम्परेचर है T1 ये भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये स्त्रोत्र इस प्रकार का रहता है कि इससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए इसका ताप बदलता नहीं है, इसका ताप हमेशा T1 रहता है। और ये जो सिंक है ये इसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए इसका ताप भी जो है वो नियत रहता है। ठीक, टेम्परेचर T1 इसका ये भी कांस्टेंट रहता है, इससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए ये टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रहता है, और ये जो सिंक है T2 इसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जो व्यवहार में जो हमारा वातावरण है वो जो है सबसे अच्छा जो सिंक हम जिसको कह रहे हैं वो है। तो यहाँ पे जब ऊष्मा का एक प्रवाह होता है तभी कार्य होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, उसमें पानी खूब सारा भरा हुआ है और हमें हाथ धोने हैं पानी से, लेकिन उस पानी की टंकी से के पास कि उसे कोई नल नहीं लगा हुआ है या पानी निकलने का कोई जरिया नहीं है कि जिससे हम हाथ धो सके, तो वो पानी हमारे लिए बेकार है टंकी में भरा हुआ। जब तक कि वहां से पानी बहेगा नहीं तब तक हम उसके नीचे हाथ रखे हाथ धो नहीं सकते, है ना। तो उसी तरह से ये स्तोत्र है कि इसके पास ऊष्मा बहुत सारी है, लेकिन जब तक यहाँ पे ये कार्यकारी पदार्थ नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब हम पानी की टंकी के नीचे हाथ धो रहे हैं और उसके नीचे भी मान लो हमने कोई बाल्टी या कोई कंटेनर रखा हुआ है कि जिसमें हाथ धोने के बाद हमारा हाथ से जब धो रहे हैं तो वो पानी उसमें गिर रहा है, तो जितना पानी हमने यूज किया था वो पानी वापस उस कंटेनर में आ जाएगा, उस बाल्टी में आ जाएगा। तो हमने हाथ धोया, हमारा तो एक कार्य किया हमने वहां पे, लेकिन जितना पानी हमने यूज किया तो वापस उसमें जमा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ऊर्जा उसमें ऊर्जा यहाँ से गई थी वो वापस यहाँ पे आ गई, इस सिंक के पास आ गई, और साथ में बीच में जो है कार्य भी हो गया, हमारा हाथ धोने का काम भी हो गया। तो यहां से इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। और व्यवहार में जो हमारा वातावरण है, अब यहाँ पे जैसे हमने पानी का एग्जांपल लिया, लेकिन हम इंजन में काय की बात करते हैं, ऊष्मा की, कि हमने यहाँ से ऊष्मा ली और यहाँ से बाहर इसको दे दी। तो यहाँ पे ये जो सिंक हम जिसको बोल रहे हैं व्यवहार में, वो क्या होता है, हमारा जो वातावरण है।
खाते हैं, कोई भी इंजन जब जलता है उसमें जब पेट्रोल या डीजल जलता है तो वो उसका धुआं निकलता है, वो कहाँ जाता है, वातावरण में जाता है। तो ये सिंक जो है जिसमें हम क्या है, और वातावरण का ताप भी नहीं बदलता, ये भी हमें पता है कि उस कोई भी हम जब गाड़ियां चलाते हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं उसका धुआं निकल रहा है लेकिन वातावरण का ताप उसमें नहीं बदलता। तो इसलिए सिंक जो है वो एक, इसकी धारिता अनंत रहती है कि इसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक, तो अब हम इसकी एफिशिएंसी की जो बात कर रहे थे हम, जैसे हमने बोला कि T2 जो है ये इसका टेम्परेचर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और ये अगर जीरो नहीं हो सकता तो इस ये जीरो नहीं होगा तो इसमें वन माइनस कुछ ना कुछ, तो ये इसकी एफिशिएंसी हमेशा एक से कम रहेगी। इसलिए कोई भी इंजन ऐसा नहीं होता कि जिसकी एफिशिएंसी या दक्षता 100% हो। ठीक, तो इंजन की दक्षता या जो भी इंजन हम उपयोग करते हैं उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जैसे हम कार्यकारी पदार्थ क्या उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। तो जैसे पेट्रोल इंजन होते हैं तो उनकी दक्षता डीजल इंजन की तुलना में थोड़ी जो कम होती है, डीजल इंजन की दक्षता जो है वो ज्यादा होती है, और इसलिए लंबी दूरियों के लिए या बड़ी गाड़ियों में हम डीजल का उपयोग करते हैं। ठीक, तो जैसे अभी हमने बात की कि ऊष्मा इंजन में दक्षता जो है 100% नहीं मिलती या बहुत कम रहती है दक्षता उसकी, तो सादिक कार्नो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात पे विचार किया कि ऐसा कोई इंजन होना चाहिए जिसमें कि हमें दक्षता ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो उन्होंने फिर एक इंजन बनाया जिसको उन्होंने उनके नाम पर कहा जाता है कार्नो इंजन। सादिक कार्नो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसमें जो दक्षता है वो 100% है उस इंजन की, और उस इंजन को उनके नाम पर कार्नो इंजन कहा जाता है। लेकिन उन्होंने जो ये इंजन बनाया था ये थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए तो है कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वो व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। तो अब जो कार्नो इंजन है वो उस वो क्या है, वो भी एक इंजन है लेकिन उसमें जो है उसके जो भाग हैं उसमें ऊष्मा स्रोत, सिंक, सिलेंडर तथा पिस्टन, पूर्ण कुचालक पदार्थ और प्लेटफॉर्म और कार्यकारी पदार्थ, ये है कार्नो इंजन के प्रमुख भाग। और कार्नो इंजन है क्या, ये एक उत्क्रमणीय इंजन है। इसमें जो है उत्क्रमणीय मतलब जो प्रोसेस है चक्री क्रम में वो चलता जाता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये कार्नो इंजन के भाग जो हमने अभी पढ़े हैं, तो उसका एक चित्र हम देखें कि तो यहाँ पे ये सोर्स जो हमें दिख रहा है वो मतलब ऊष्मा का स्रोत जिसका टेम्परेचर है T1। उसके बाद बीच में जो दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है हमारा इंसुलेटिंग पैड, मतलब वो क्या है, हमारा पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म, क्या है, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। उसके बाद सिंक जिसका कि टेम्परेचर है T2, और जो स्रोत है T1 और सिंक T2। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि T1 जो है वो हमेशा T2 से बड़ा होता है। उसके बाद जो पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम देख रहे हैं एक सिलेंडर और पिस्टन, और जिसके अंदर की जो है कार्यकारी पदार्थ है, और ये जो पिस्टन उसके ऊपर लगा रहता है वो भी पूर्ण कुचालक पिस्टन रहता है। ये छिंदवाड़ा के बच्चे क्यों सीधे नहीं बैठे हैं? तो ये हमारा कार्नो इंजन के कुछ भाग हैं, स्रोत, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म, सिंक और सिलेंडर और पिस्टन, और जिसके अंदर भरी हुई है हमारी गैस। अब इसके जो पार्ट्स हैं वो हम देखें, या इसमें किस तरह से वर्किंग होती है कार्नो इंजन में, तो इसमें चार चीजें होती हैं। एक तो समतापी प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। इन चारों प्रक्रियाओं के दौरान जो कार्य होता है उससे हमारा जो है ये कार्नो इंजन वर्क करता है या कार्य करता है। तो इसको अभी ये है ऊष्मा इंजन की हमारी कार्यविधि, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये किस तरह से होता है।
तो समतापी प्रसार। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अभी इस चित्र में देखा कि ये सिलेंडर और पिस्टन वाला जो हमारा पार्ट है, इसको सबसे पहले हम रखते हैं स्तोत्र के ऊपर। स्तोत्र पे जब हमने रखा तो स्तोत्र का टेम्परेचर है T1, ताप ज्यादा है, गर्म है वो, उसका टेम्परेचर है T1। तो जैसे ही हम इसको सिलेंडर को इसके ऊपर रखते हैं स्तोत्र के ऊपर, तो सिलेंडर का जो बेस है वो कुचालक है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि सिलेंडर की जो साइड की वॉल्स है वो कुचालक पदार्थ से बनी होती है और नीचे का जो बेस है उसका वो चालक पदार्थ होता है। तो जब हम उसको प्लेटफॉर्म सोर्स के ऊपर रखते हैं सिलेंडर को, तो वो ऊष्मा को ग्रहण करता है, सोर्स से ऊष्मा को ग्रहण करता है, और चूंकि समतापी प्रसार हो रहा है तो उसका ताप परिवर्तित नहीं होता, लेकिन जो ऊष्मा ग्रहण करता है उसकी वजह से गैस का आयतन बढ़ने लगता है और पिस्टन जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगता है, तो उसमें होने लगता है समतापी प्रसार। अब इसको साथ साथ हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं, क्योंकि हमको ये भी बना के उसमें बताना भी पड़ता है और इससे हम आसानी से समझ भी पाएंगे। तो ये एक सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन के बीच में ये हमने ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले जब हमारा इंजन स्टार्ट नहीं है, जब हमारा सिलेंडर प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, उसमें कोई प्रक्रिया भी नहीं हुई, तो उस समय हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा ए, जहां पे उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है V1, मतलब आयतन जो गैस का उसमें सिलेंडर में भरा हुआ है वो V1 है और उसपे जो दाब है वो है P1। अब हमने जब सिलेंडर को उठा के स्त्रोत्र पे रखा तो उसका टेम्परेचर, सोर्स का जितना टेम्परेचर है उतना ही गैस का हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर T1, और चूंकि समतापी प्रसार होगा तो उसका जो वॉल्यूम है या आयतन है वो बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं उसका आयतन बढ़ के हो गया V2। इस पॉइंट B पे हम पहुंच गए, तो यहां से वॉल्यूम बढ़ता हुआ या आयतन बढ़ता हुआ कहां पहुंच गया, V2 पे, और दाब जो है वो धीरे धीरे कम होगा क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब गैस पे जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो प्रेशर P1 से आ गया P2 पे, हम देख रहे हैं प्रेशर नीचे की तरफ आ गया, मतलब दाब कम हो गया और आयतन बढ़ गया, तो ये हो गया समतापी प्रसार। उसके बाद क्या किया जाता है कि सिलेंडर को उठा के वापस कुचालक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। अब जब यहां पे हमने रखा तो इसको अब न तो ऊष्मा मिल रही है, कोई भी ऊष्मा नहीं मिल रही इसको, तो ये धीरे धीरे इसमें रुद्धोष्म प्रसार होने लगता है। क्या होने लगता है इसमें, अपने आप वो सिलेंडर जो उसने ऊष्मा ग्रहण की है उस ऊष्मा के कारण उसमें रुद्धोष्म प्रसार होने लगता है, और रुद्धोष्म प्रसार जब होता है तो उसका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा T1, क्योंकि अब हम उसको कोई ऊष्मा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो उसका दाब है वो कितना हो जाएगा P3। तो दाब कम हो के यहाँ पे हो गया P3 और आयतन बढ़ जाएगा क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब और प्रसार हो रहा है दोष प्रसार, मतलब इसका वॉल्यूम कहाँ पे आ गया, V3 पे, वॉल्यूम बढ़ गया इसका V3। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, सिलेंडर को उठा के रखते हैं अब हम सिंक पे, सिलेंडर को उठा के रखते हैं सिंक पे। तो जब सिंक पे रखते हैं, सिंक का टेम्परेचर है T2 मतलब कम है, या हम उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आसान शब्दों में कि वो सिलेंडर गर्म हो गया था क्योंकि उसने स्त्रोत्र पे जब रखा था तो ऊष्मा ग्रहण कर ली थी, और जब हम इसको सिंक पे रखते हैं तो सिंक जो है वो सिलेंडर की तुलना में ठंडा है, तो जब गर्म वस्तु को हम ठंडे पे रखते हैं तो ऊष्मा जो है ठंडे की तरफ प्रवाहित होने लगती है, तो जो सिलेंडर को जैसे ही हम सिंक पे रखते हैं तो ऊष्मा सिंक की तरफ प्रवाहित होने लगती है, और जब ये इसकी तरफ प्रवाहित होने लगती है तो इसमें अब क्या होने लगता है, समतापी संपीड़न, क्योंकि इसका टेम्परेचर अब होने लगता है T2 और इसमें पिस्टन जो है धीरे धीरे नीचे आने लगा, हम इसको पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो इसमें होता है समतापी संपीड़न। तो समतापी संपीड़न के दौरान क्या होता है, अब यहाँ पे हम पहुंच गए इस डी पॉइंट पे, तो समतापी संपीड़न में जो संपीड़न हो रहा है मतलब आयतन कम हो गया, तो आयतन V3 से कहाँ पे पहुंच गया, V4 पे, पीछे की तरफ आ गए हम आयतन में, मतलब आयतन कम हो गया V4, और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि हमने पिस्टन को दबाया तो ये प्रेशर बढ़ गया, तो ये हो गया समतापी संपीड़न। उसके बाद अब हम इस सिलेंडर को उठा के वापस रखते हैं कहां पे, जो हमारा पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर।
बीच में उसको वापस रख देते हैं। तो जब उसको वापस रखते हैं और फिर उसको उस पर संपीडन कराते हैं, धीरे धीरे उसको दबाते हैं, तो अब उसमें होता है आपका रुद्धोष्म संपीडन। अब क्या होगा, उसमें रुद्धोष्म संपीडन होने लगता है। और जब संपीडन हो रहा है मतलब आयतन जो है इसका फिर से कम होता है और ये इसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम वापस इधर आ जाते हैं P1V1 पे, A पॉइंट पे। तो जहां से हम शुरू हुए थे वहां पे वापस हम पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये ग्राफ समझना जरूरी है, इसको हमें समझाना भी पड़ता है इस तरह से पूरा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये ए वाली हमारी ओरिजिनल स्थिति है, तो सिलेंडर पिस्टन को हमने कहाँ रखा, सोर्स के ऊपर रखा। तो सोर्स से उसने ऊष्मा ग्रहण की, ऊष्मा ग्रहण करने से उसका आयतन बढ़ गया और दाब कम हो गया, तो ये पॉइंट बी पे आ गए जहाँ पे P2 और V2 है। यहां से फिर बी से वो सी पे चले गए हम लोग, तो प्रेशर इसका जो है चेंज हो गया, प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया। फिर उसके बाद जब हमने उसको सिंक पे रखा, तो सिंक पे रखने के बाद उसमें संपीडन हुआ, तो इसका प्रेशर हो गया P4 और वॉल्यूम V4 और वापस हम आ जाते हैं A पर। तो इस तरह से ये पूरा चक्रीय प्रक्रम हो जाता है और इसमें हमें मिलती है एफिशिएंसी जो 100%। अब इसमें जो ये तो हमने समझ लिया, अब इसमें जो कार्य हमारा हुआ है उसको भी हमें करना है कि कितना कार्य हुआ है वो हमें बताना है। तो जैसे कि हमने देखा था कि गैस द्वारा किया गया कार्य, ये जो समतापी प्रसार है हमारा, इसमें गैस द्वारा किया गया कार्य हम देखते हैं। पहले तो समतापी प्रसार के दौरान कार्य W1 और वो किसके बराबर है, Q1 के बराबर, क्योंकि ऊष्मा उसने ग्रहण की Q1 कहां से, स्तोत्र से ऊष्मा ग्रहण की Q1, तो ये आ गया W1 = Q1 और ये किसके बराबर होता है, V1 V2 P D V। और ये हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से ये कार्य निकाला जाता है, या RT1 log V2 upon V1। ठीक, तो ये हमारा समतापी प्रसार के दौरान किया गया कार्य। उसके बाद दूसरा हमने क्या किया था, रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार इसके दौरान मतलब जब हमने इसको पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पे रखा था, तो इसने कोई भी ऊष्मा ग्रहण नहीं की थी, तो उस दौरान जो कार्य हुआ था W, वो किसके बराबर होगा, R γ-1 T1 - T2। और ये इसके डेरिवेशन हम लोग एक्चुअली पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको W1 और ये हमारा W2। उसके बाद तीसरा आता है हमारा समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न इसके दौरान किया गया कार्य, मान लो हमारा W3। तो इसके दौरान जब हम समतापी संपीड़न में जब कार्य हो रहा है, तो उस समय वो ऊष्मा जो है ग्रहण कर रहा है कहां से, सिंक से। तो मान लो उसने ऊष्मा ग्रहण की Q2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल कहां से कहां तक था हमारा ग्राफ में, V3 से V4 P D V। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा -RT log V4 upon V3, और फिर इसको जब हम माइनस को अंदर ले लेते हैं तो ये होता है RT log V3 upon V4। तो ये आ गया हमारा W3 = RT log V3 upon V4। ठीक, ये हमारा आ गया W3। और उसके बाद चौथा आता है हमारा क्या, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न इसके दौरान किया गया कार्य W4। इसके दौरान भी कोई ऊष्मा उसने ग्रहण नहीं की है, तो ये किसके बराबर होता है, -V4 P D V = R γ-1 T1 - T2।
ये हो गया हमारा W। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किया गया कुल कार्य, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चार बार कार्य हुआ, एक बार समतापी प्रसार के दौरान, फिर रुद्धोष्म प्रसार, फिर समतापी संपीड़न और फिर रुद्धोष्म संपीड़न। तो कुल कार्य जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, और ये माइनस क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज जाती है, उल्टी हो जाती है। और अभी जो हमने यहाँ पे निकाला उसमें हम देख रहे हैं कि W2 और W4 दोनों बिल्कुल सेम है। देखिए आप रुद्धोष्म प्रकार के दौरान W2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, और W4 इसकी कितनी आई हमारी, सॉरी ये W4 ये भी वही है, R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो चूंकि ये दोनों सेम है W2 और W4 की वैल्यूज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास क्या बचता है, W1 माइनस W3 जो कि किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के बराबर। ये देख रहे हैं W1 किसके बराबर था, Q1 उससे जो ऊष्मा ग्रहण की, और जो W3 है वो किसके बराबर था, Q2 के बराबर। अब जैसे हमने इंजन की ऊष्मा इंजन की दक्षता निकाली थी कि किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा, तो सेम चीज यहाँ पे, किया गया कार्य क्या है हमारा W और अवशोषित ऊष्मा कितनी है Q1, ऊष्मा उसने स्त्रोत से जो ली थी Q1, और W ऊपर हमने निकाला Q1 माइनस Q2 के बराबर अपॉन Q1, तो इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब ये जो Q2 और Q1 की वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली है उनको सब्सटीट्यूट करके फिर हम और आगे उसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो फिर वो आ जाता है हमारे पास 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो वो उसका और अभी सॉल्यूशन हमारे पास है डेरिवेशन नंबर, ठीक है। तो ये जो है हमें प्रक्रियाएं इसमें चारों समझानी पड़ती है जब कार्नो इंजन आता है एग्जाम में हमारे को आता है। कार्नो इंजन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख भागों का वर्णन करते हुए उनको समझाइए। तो एक ये हो गया आपका संपूर्ण भाग उसके हमने लिखे और उसकी दक्षता के लिए ये सूत्र निकाला, ठीक। तो ये जो हमने ग्राफ अभी आपको समझाया यहाँ पे एक बार उसको और देखिए आप लोग किस तरह से ये है कि पहला जो ए पॉइंट है वहां पे आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब समतापी प्रसार, फिर उसके बाद रुद्धोष्म प्रसार, तो और तीसरा है समतापी संपीड़न, और फिर चौथा समतापी सॉरी रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक। और इसी को हम इसमें और देखते हैं कि जो हमने बात की कि वो कैसे होता है कि पहला जो है Q2 जब उसने ऊष्मा ग्रहण की तो उसमें आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रसार हो रहा है, उसका आयतन बढ़ रहा है। फिर जब हमने प्लेटफॉर्म पे रखा था तो दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं तो रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, देखिए उसमें आयतन और बढ़ गया है। और उसके बाद तीसरा जब हमने उसको कहाँ पे रखा, सिंक पे, और उसको ऊपर से दबाया जो पिस्टन को, तो उसमें संपीड़न हो रहा है, समतापी संपीड़न। और चौथा वापस जब प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं उसको सिंक से उठा के, तो उसमें होता है फिर रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक। तो इस तरह से हम इसको ऊष्मा इंजन जो ये हमारा ये कार्नो इंजन है इसको हम बताते हैं। तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक था, इसको हमने किया है कंप्लीट। अब इसमें जो है आप लोग को प्रश्न इसी तरह से आता है इसमें कि कार्नो इंजन क्या है, उसके प्रमुख भागों का वर्णन सचित्र वर्णन कीजिए, तो हमने उसका चित्र और उसका पूरा वर्णन, और अगर उसकी दक्षता आती है तो वो लिखने को आता है, या फिर समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार के दौरान किया गया कार्य उसको आप समझाइए, ठीक। तो उसके डेरिवेशन हमें उसको और अलग से थोड़े से करने पड़ेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उस पूरे डेरिवेशन को हम ले पाए, तो इसलिए हमने उसको जो पहले पढ़ा उसके आधार पर इसको हमने निकाला हुआ है PdV=, ठीक। तो आज की क्लास हम इसको यही खत्म करेंगे, इसमें दो तीन चीजें जो याद खास रखने वाली हमारी कि जो इसकी ऊष्मा इंजन की दक्षता है वो आपको निकालनी है, और जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता
और एक और चीज, हाँ, एक ही दक्षता जो है हमेशा एक से कम होती है, ये भी याद रखिए, जिससे क्योंकि जब ने सूत्र निकाला उसका, 1 - T2 / T1 ईटा इज इक्वल टू, तो किसी भी इंजन की दक्षता एक से कम होती है, और 100% तो किसी भी इंजन की दक्षता नहीं होती। अब इसके बाद जो है आपका प्रशीतक है, वो इसका ऑपोजिट, पर वो अगली क्लास में आपका रहेगा। तो इसके साथ ही हम आज की यहाँ क्लास खत्म करते हैं।